तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग के बारे में। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग के बारे में सुना होगा, जिससे कि जो भी हमारे पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत ही पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें खोज कर निकाला गया धरती के नीचे से, जैसे ये स्केलेटन आप देख सकते हैं, तो इन चीज़ों की जो एज है, जो इनका टाइम पीरियड था, वो पता लगाया जाता है। उस पर जो प्रोसेस को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो ये सारी की सारी वीडियो कार्बन डेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी नॉलेजफुल वीडियोज़ को देख सकें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो ये जो कार्बन डेटिंग है, इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, या फिर कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। तो ये एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की डेट पता की जा सकती है। वो कैसे पता की जा सकती है, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, ये जो कार्बन है, कार्बन 14 है, ये एक रेडियो एक्टिव है। आइसोटोप का मतलब होता है जो कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो वो हमें इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना है, उसे छोड़िए। तो सबसे पहले, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मीन्स ये कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ती रहती है अपनी जो कार्बन है। और तो ये मेथड जो दी मेथड वाज डेवलप्ड इन द लेट 1940s ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बाय विलर्ड लिपी। इस कार्बन डेटिंग के जो मेथड को जो डिस्कवर किया था, वो किया था विलर्ड लिपी ने, और हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क इन 1960। तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में 1960 में। तो हम चलते हैं यहाँ पे। ये जो कार्बन है, कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। कार्बन हर चीज़ में है, हमारे में भी कार्बन है, आप में भी कार्बन है। जैसे कि कार्बन एक बहुत ही अजीब प्रोडक्ट है जो हर चीज़ में पाया जाता है। जैसे कि आपके डायमंड ले लीजिए, आप स्ट्रॉन्गेस्ट है वो, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी कार्बन है। लेकिन आपकी पेंसिल की, सॉरी, लेड है जो, उसमें भी कार्बन है, वो कितनी सॉफ्ट होती है। तो ऐसे में कार्बन बहुत ही एक बहुत ही अजीबो गरीब प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में पाया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सूरज की किरणें और नाइट्रोजन मिलकर कार्बन 14 एटम्स बनाती हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पेड़ों में जाते हैं, और उसके बाद पेड़ों को, अगर हम जैसे कि नॉन वेज खाते हैं, तो उसमें भी जो ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, वैसे ही अगर हम ग्रीनरी को डायरेक्टली खाते हैं, जैसे कि हमारा शाकाहारी भोजन, तो उसमें भी कार्बन मौजूद होती है। तो ये कार्बन हर जगह है। तो इसका फायदा उठाकर ही हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड या डेट पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे, व्हेन द एनिमल और प्लांट डाइज, इट स्टॉप्स एक्सचेंजिंग कार्बन विद इट्स एनवायरनमेंट, एंड देयर आफ्टर द अमाउंट ऑफ C14 इट कंटेन्स बिगिंस टू डिक्रीज एज द C14 अंडरगोज रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसे में जब कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल फॉर एग्जाम्पल मर जाता है, तब उसके अंदर जो ये जो कार्बन का जो बाहर से कार्बन आना और जाना, ये प्रोसेस रुक जाता है। जहीं जहाँ पे कार्बन होती है वहीं पे रुक जाती है, जितना ही उस बॉडी में कार्बन होती है। तो जब ये वहीं पे रुक जाती है, तो ये जो कार्बन है, ये धीरे धीरे खत्म होती है बॉडी से। बहुत ही स्लो प्रोसेस है इसके खत्म होने का। तो उस प्रोसेस के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कितने समय से ये प्रोडक्ट, ये जो चीज़ है, जहाँ पर पड़ी है, या कितने इसका कितना समय हो गया है इस चीज़ को। तो ये आगे हम और क्लियर होगा। अभी देखिए, मेजरिंग अमाउंट ऑफ 14 कार्बन इन सैंपल फ्रॉम अ डेड प्लांट और एनिमल सच एज पीस ऑफ वुड और अ फ्रेगमेंट ऑफ बोन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट व्हेन द एनिमल और प्लांट डाइड। जैसे कि जो कार्बन एटम है वो किस रफ्तार से घटता है, साइंटिस्ट को इसका पता है। ये देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज अबाउट 5730 ईयर्स। जो एक कार्बन एटम है वो हाफ रह जाता है 5730 सालों में, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है, जितना कार्बन उस बॉडी के अंदर डिके हो जाता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके पता लगाया जा सकता है कि ये जो चीज़ है, ये कितने साल पुरानी है। तो इस तरह से, द ओल्डर अ सैंपल इज द लेस C14। जितना वो सैंपल आपका पुराना होगा, उतनी ही कम उसमें कार्बन 14 होगी। ये C14 का ही स्पेशली यूज़ किया जाता है, कार्बन 14 आइसोटोप का, आपको याद रखने वाली चीज़ है ये। तो दी ओल्डेस्ट डेट दैट कैन बी रिलायबली मेजर्ड बाय दिस प्रोसेस डेट टू अराउंड 50,000 ईयर्स अगो। और इस प्रोसेस से जो सबसे ज़्यादा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी 50,000 साल पुरानी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं इस कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से।
क्योंकि उसके बाद जो कार्बन उसमें होती है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हम पता नहीं लगा सकते कि कितनी कार्बन जो एटम है उसका डिके कर चुका है, कितना उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो आगे तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ आप को अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको पता चल गया है कि रेडियो एक्टिव कार्बन यानी कि कार्बन डेटिंग किसे कहा जाता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी नॉलेजफुल और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।